तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। बेसिकली अगर तुम देखोगे इसमें गिवन टू स्टेटमेंट, इफ डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू रीजन हीट सप्लाई वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखो हीट सप्लाई, अगर हीट आप इसको दिए हो, सिस्टम को हीट दिए हो डेल्टा क्यू, तो आप साइन कन्वेंशन से पढ़े होगे कि फिजिक्स में डेल्टा क्यू अगर हीट गिवन, चाहे केमिस्ट्री में भी, तो हीट गिवन टू द सिस्टम टेकन इज द पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। देखो सिस्टम पे तभी वर्क होगा फिजिक्स में ऑन द सिस्टम, जब इसको मैं कंप्रेस करूँगा, मतलब ये जो है कंप्रेस करने के बाद इसका फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है ना। पहले ये गैस यहाँ तक था, अब कंप्रेस करने के बाद इतना हो गया। तो वर्क डन अगर देखोगे तो वर्क डन होता है पी डेल्टा बी, पी डेल्टा बी, पी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब देखो इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है तो वर्क डन क्या आता भाई, निगेटिव आता है। हम सबको पता है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम निगेटिव आता है, और हीट एनर्जी इतना है, और अगर हीट एनर्जी दी हो तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गया होगा, तो डेल्टा यू जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू हीट गिवन इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो डेल्टा क्यू हीट गिवन पॉजिटिव और डेल्टा यू ऑल्सो पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो डेल्टा यू इज निगेटिव। तो ये यहाँ गिवन सिचुएशन के लिए ये वाला मेरा सिस्टम ये रेडी है, तो ये डेल्टा यू, यही लिखा है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, यहाँ लिखा है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स पे बेस है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस है, इसलिए हम इसको कभी गलत नहीं करना। तो दिस इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है ये वाला, तो इसका मतलब ये हुआ ए इज द करेक्ट बट आर इज नॉट, ये दोनों स्टेटमेंट बोथ है एंड ए इज द करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।